प्यार लेने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मिलकर हमने ये संकल्प लेना है कि यहाँ के जितने भी मसले किन्नौर के हैं, जो हम केंद्र के समक्ष आने वाले समय में उठा सकते हैं, ये मेरा विक्रमादित्य सिंह का आपको संकल्प है। क्योंकि आप जानते हैं मैं जो भी कहता हूं वो हमेशा ठोक बजा के कहता हूं, ना मैं कभी किसी से डरा हूं, ना मुझे किसी से डरने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी विषय किन्नौर के हित के दिल्ली में उठाने हैं, जो भी यहाँ के, चाहे वो एफआरए का मसला है, चाहे वो नौतोड़ का मसला है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट का मसला है, चाहे वो रोजगार का मसला है, उसको हम आने वाले समय में पूरी प्राथमिकता से केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुने, एक समय था जब वो विकास की बातें करते थे, एक समय था 2014 में जब वो महंगाई की बातें करते थे, क्या नारा था उनका, बहुत हुई महंगाई अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हो रहा है, अब प्रधानमंत्री जी ना महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करते हैं, मणिपुर में जो हमारा नौ मंत्री जी ने महिलाओं के बारे में नहीं बोला, अभी कर्नाटका के अंदर जो वीडियो निकल कर आई, वो उन्हीं के अलाइंस पार्टनर के सांसद ने किस किस तरीके से वीडियो महिलाओं के बनाए, उनका शोषण किया गया, उसके बारे में एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला। और विक्रमादित्य सिंह जी ने किस तरीके से पूरे गले में खटक को पहनकर, टोपियों को पहनकर जो है उसका सम्मान किया, वो तो केवल मात्र तापरी ने। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े तुम चक्कर में? मैं खास करके हमारे महिला कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आप लोग सामने के रूम में बैठ जाए, और जो भी लोग यहाँ जनता जनार्दन से निवेदन है